हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनोद और हमेशा की तरह आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इस तरह के फेस को स्मूथ करने वाले हैं, बिल्कुल इस तरह। इसके लिए आपको तीन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है स्नैपसीड, दूसरा है लाइट रूम, तीसरा है स्केच बुक। इस तीनों एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेप बाई स्टेप जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसे फॉलो करना है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। आइकन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको जो आपका पुराना फ़ोटो है उसे सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट हो चुका है फ़ोटो। अब यहाँ पर सबसे पहला आपको काम करना है वो ट्यून इमेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्राइटनेस को थोड़ा हाई कर लेना है, कंट्रास्ट को थोड़ा लो करना है और सेचुरेशन को थोड़ा सा लो करना है। बस ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कर्व का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है। ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको टूल के ऊपर क्लिक करना है और सिलेक्टिव कलर सेलेक्ट करना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने फेस के ऊपर एरिया सेलेक्ट कर देना है, जहाँ जहाँ पर ब्लैक ऑप्शन है। अब यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा हाई करना है, कंट्रास्ट को थोड़ा सा लो करना है, सेचुरेशन को थोड़ा सा हाई करना है। ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ये प्रक्रिया आपको फिर एक बार अपनाना है। टूल के ऊपर क्लिक करना है, सिलेक्टिव कलर, और यहाँ पर नीचे भी आप लोग देख सकते हैं एरिया ब्लैक है, इसे सेलेक्ट करना है। ब्राइटनेस को थोड़ा सा हाई करना है, कंट्रास्ट को थोड़ा सा लो, सेचुरेशन को थोड़ा सा लो करना है। बस ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं इफ़ेक्ट। अब इसे हम लोग ये जो यहाँ पर धब्बा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे टूल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो थर्ड नंबर ऑप्शन है इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है। तो ये थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आएगा पिक्चर में, वो भी आप लोग देख सकते हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, शेयर करना है। शेयर करने के बाद आपको यहाँ पर स्केच बुक एप्लीकेशन है, इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपका स्केच बुक एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब हम लोग इसे सेटिंग करने वाले हैं इसमें ब्रश का। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, ब्रश का सेटिंग। तो यहाँ पर आपको ब्रश के ऊपर क्लिक करना है और ये देख सकते हैं सेकंड नंबर पे ये ब्रश है, इसे सेलेक्ट करना है, इसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको साइज जितना चाहे उतना रख सकते हैं। फॉलो आपको रखना है 20 पर। 20 पर रखने के बाद आपको यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है, ये फेस का कलर सेलेक्ट है ऑलरेडी, आप लोग अपने हिसाब से जिस तरह चाहें इसे बना सकते हैं कलर को। ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर फेस पर फिल कर देना है। इसका साइज हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। अब इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर देना है आपको, जहाँ जहाँ पर फेस का एरिया है वहाँ वहाँ पर आपको इसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, यह इफ़ेक्ट आपको पूरे चेहरे के ऊपर अप्लाई करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। तो आपको इसे शेयर करना पड़ेगा अब फिर से स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, शेयर के ऊपर क्लिक करना है और अदर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसे स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये हमारा स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको फिर से टूल के ऊपर जाना है और सिलेक्टिव लेना है। सिलेक्टिव लेने के बाद आपको अपने फेस का कलर सिलेक्ट करना है और ब्राइटनेस को थोड़ा सा हाई करना है, कंट्रास्ट को थोड़ा सा लो करना है, सेचुरेशन को थोड़ा सा लो करना है। बस
और यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से टूल के ऊपर जाना है और ये कर्व का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और इसे थोड़ा सा लो कर लेना है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये फेस का आउटपुट। फिर से यहाँ पर आपको सिलेक्टिव कलर लेना है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करना है और कंट्रास्ट को थोड़ा सा लो करना है। फिर से ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो की क्लियरिटी। अब यहाँ पर फिर से आपको शेयर के ऊपर क्लिक करना है और इसे शेयर कर लेना है आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर हो रहा है, ये इमेज हो चुका है। अब हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ से मिक्स सेलेक्ट करना है और सबसे पहले ग्रीन सेलेक्ट करना है। ग्रीन को थोड़ा सा हाई करेंगे, थोड़ा सा हाई करेंगे, सेचुरेशन को भी हाई करेंगे और इसको भी थोड़ा सा हाई करेंगे। येलो है, इसको भी हाई करेंगे, इसका सेचुरेशन भी हाई करेंगे थोड़ा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका क्लियरिटी। अब डन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टेम्प में थोड़ा सा हाई करना है और टिंट लिखा है इसको थोड़ा सा लो करना है, थोड़ा सा हाई करना है, इसको भी थोड़ा सा आपको लो करना पड़ेगा और सेचुरेशन को भी थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अब आप लोग को सेव कर लेना है फ़ोटो को। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।